बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा इन दिनों अपनी बेटी वामिका के साथ अपना मदरहुड एंजॉय कर रही हैं। समय समय पर वो अपनी बेटी के लिए अपना प्यार सोशल मीडिया पर बयां करती रहती हैं। एक बार फिर एक्ट्रेस ने अपनी नन्ही परी पर प्यार लुटाया है। इस बार उन्होंने अपनी बेटी को एक कविता डेडिकेट की है। आइए आज के इस वीडियो के जरिए हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन सी है वो कविता जो अनुष्का शर्मा ने अपनी प्यारी बेटी वामिका को डेडिकेट की है। अनुष्का शर्मा एक्ट्रेस बनने से पहले एक मॉडल थी। वो आर्मी बैकग्राउंड से आती हैं और उनके पिता अजय कुमार शर्मा एक आर्मी ऑफिसर हैं। वह आपको बता दें कि एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने रब ने बना दी जोड़ी से इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने सक्सेसफुल करियर के बाद अनुष्का शर्मा ने भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के साथ साल 2017 में शादी कर ली और साल 2021 में अपने जीवन में इस कपल ने अपनी बेटी का स्वागत किया, जिसका नाम इन्होंने वामिका रखा। अनुष्का और विराट अपनी बेटी को लाइमलाइट से दूर रखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वो अक्सर अपनी प्यारी बेटी वामिका पर प्यार लुटाते नजर आ जाते हैं। हाल ही में 14 मार्च 2022 को अनुष्का ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने वामिका के लिए खूबसूरत सी कविता शेयर की। कविता में लिखा, प्यारी बेटी, मैं ये जानने में बहुत समय लगाती हूँ कि आपके लिए सबसे अच्छी माँ कैसे बनूं। मुझे पता है कि मैं इसे हमेशा सही नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं जो वादा कर सकती हूँ वो ये है कि मैं तुमसे मिलूंगी जहाँ तुम चाहती हो, वहाँ नहीं जहाँ मैं चाहती हूँ। पहले भी हाल ही में एक्ट्रेस की बेटी को केप टाउन में भारत साउथ अफ्रीका के मैच के दौरान अनुष्का और विराट वामिका को एक साथ देखा गया था। जहाँ विराट कोहली मैच खेलते नजर आ रहे थे, तो वहीं अनुष्का अपनी बेटी वामिका को गोद में लिए अपने हस्बैंड को चीयर अप करती हुए नजर आई थी। तभी कैमरा उनकी ओर गया और फैंस को वामिका का चेहरा दिख गया, जिसके बाद ये तस्वीरें आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गईं। लोगों ने ये तक कहा कि वामिका बिल्कुल अपने पापा विराट कोहली की तरह लगती हैं। वेल दोस्तों, फोटोज वायरल होने के बाद वामिका को लेकर विराट और अनुष्का काफी ज्यादा सतर्क हो गए। उन्होंने मीडिया से रिक्वेस्ट की कि वो वामिका की तस्वीरों को इस तरीके से सर्कुलेट ना करे। दोस्तों, अनुष्का की लिखी इस कविता पर आपका क्या कहना है और इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।